हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई रेसिपी। तो आज मैं लेके आई हूँ बिरयानी बनाने का रेसिपी। तो आप जैसे चिकन बिरयानी नहीं खाते हैं तो आलू बिरयानी बना के खा सकते हैं। तो चलिए, बिरयानी बनाना बहुत ही सिंपल है और झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए बिरयानी बनाने के लिए चलते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आलू ले रखी हूँ और 4-5 आलू को छील के और इसमें टुकड़े कर ली हूँ। तो आप चाहें तो छोटे टुकड़े भी कर सकती हैं, पर मैं इतने बड़े बड़े साइज को रखी हूँ। तो बस इसको इतना ही आलू का दरकार है। तो मैं चलिए इसको साइड कर देती हूँ और बाकी का मसाला बता देती हूँ। तो ये बिरयानी बनाने के लिए इतना मसाला का ही दरकार है। तो यहाँ पर मैं ले रखी हूँ 1.5 चम्मच के हिसाब से बिरयानी मसाला, 1 चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच के हिसाब से जीरा पाउडर, और यहाँ पर मैं फ्रूट कलर थोड़ा सा पानी में भिगो के ले ली हूँ। तो मेरे पास फ्रूट कलर सूखा वाला था पाउडर, तो मैं पानी में उसको भिगो ली हूँ। स्वाद का सा नमक थोड़ा सा मैं ले रखी हूँ यहाँ पर हल्दी पाउडर, क्योंकि मैं पूरा येलो बिरयानी नहीं बनाऊँगी, हल्का बनाऊँगी। यहाँ पर 2 ले रखी हूँ इलायची, 1 तेज़पत्ता, यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ पर 2 लौंग। बस इतना ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको गैस की तरफ चलते हैं बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको कुकर में बनाऊँगी। तो कुकर में आगे से मैं ऑयल बैठा दी थी हीट करने के लिए, तो मेरा ऑयल हीट कर रहा है। तो अब मैं उसमें डाल दी हूँ मेरा आलू। तो आलू को यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आलू को मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा, जो हमारे आलू है ना, सादा सादा नहीं रहेंगे, थोड़ा येलो हो जाएंगे, पीला, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आलू में हल्दी डाल दी हूँ। अब मैं इसको बीच में करके और इसको क्या कर रही हूँ, 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ देती हूँ और बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा 4 मिनट हो गया है। तो ये मेरा जो आलू है तो यहाँ पर पक गया है, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से क्रिस्पी हो गया है आलू मेरा। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, कि आलू को मैं निकाल देती हूँ कुकर से। तो यहाँ देखिए सारे आलू को। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा आलू क्या है, उतना पका नहीं है, हल्का पका है। तो मैं और बाकी को आलू को पकाऊँगी बाद में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा आलू निकाल ली हूँ। यह देखिए ऊपर से क्रिस्पी हो गया है। तो मेरा जो ऑयल है उसी में आप चाहे तो बेसी ऑयल और डाल सकती हैं। तो अब मैं उसमें डाल दी हूँ 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 लौंग और 2 यहाँ इलायची। थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ मसाले को। अब यहाँ देखिए, मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली थी और 2 टमाटर मीडियम साइज के। तो अब मैं डाल देती हूँ मेरा प्याज को। प्याज डालने के बाद फ्रेंड्स, इसको 30 से 40% पकाऊंगी, बेसी नहीं पकाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें टमाटर भी डालूंगी तो और पकेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्याज इतना ही पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बार प्याज को मिक्स कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, जो मेरा टमाटर है मैं टमाटर को डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं टमाटर डाल दी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ स्वाद का अनुसार नमक। तो नमक इसलिए पहले डाल देती हूँ, जो मेरा ये टमाटर है अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ मैं नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके इसको कवर करके फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट तक इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। तो 1 से 2 मिनट तक जो मेरा टमाटर है अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद ये ढक्कन को हटाई हूँ, तो ये जो मेरा टमाटर है इतना गल गया है। तो अब मैं डालूंगी फ्रेंड्स इसमें मेरा बाकी का मसाला। तो यहाँ देखिए 1/2 चम्मच के हिसाब से जीरा पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच के हिसाब से बिरयानी मसाला। मसाले को क्या करूँगी कि मिक्स कर देती हूँ। तो ये जो मेरा मसाला सूखा सूखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पानी डाल देती हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और पानी में अच्छे से पक भी जाएंगे। नहीं तो पानी नहीं डालने से जो हमारे मसाले थे सूखा सूखा थे, तो हमारे मसाले जल जाते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं मसाला को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून ली हूँ। तो मेरा मसाला जो है अच्छे से पक गया है। तो अब मैं यहाँ डाल देती हूँ 1/2 चम्मच के हिसाब से गर्म मसाला। अब मैं डालूँगी फ्रेंड्स यहाँ पानी। तो
तो जिस बाटी से फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिस बाटी से मैं चावल ली थी, इस बाटी से मैं एक बाटी चावल ली थी, तो एक बाटी ही पानी डाल रही हूँ क्योंकि बिरयानी में बेसी पानी का दरकार नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इस बाटी से एक बाटी पानी डाल रही हूँ और एक बाटी चावल ली थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ मैं डाल देती हूँ मेरा आलू, क्योंकि मेरा आलू आधा भी कच्चा है आधा पका ही है। तो यहाँ देखिए मैं सारी आलू को डाल दे रही हूँ। आलू डाल के फ्रेंड्स यहाँ पर मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके और इसको ढक के कम से कम 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। जो मेरा ये आलू है वो अच्छे से पक जाएंगे, तो इसको मैं ढक देती हूँ और ढक के इसको हाई मीडियम पर 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाती हूँ। तब तक यहाँ देखिए मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं बासमती चावल ले रखी हूँ, इस बाटी से एक बाटी नाप के ली थी और भिगो के 10 मिनट के लिए रख दी थी। तो ये देखिए मेरा चावल अच्छे से भीग गया है, तो मैं पानी इसका निकाल ली हूँ चावल का, और इसी बाटी से मैं एक बाटी चावल में पानी डाली हूँ कुकर में, आपको दिखाई हूँ। तो चलिए मैं आलू को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो मेरा आलू है वो पक गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा चावल है तो चावल को लेके और इसको चारों बगल छिट छिट दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए चारों तरफ फैला देना है चावल को। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं चारों तरफ अच्छे से चावल फैला दी हूँ एक समान। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरा जो फ्रूट कलर है, तो मैं फ्रूट कलर को चम्मच से लेके और चारों तरफ हल्के हल्के फैला दे रही हूँ। तो बेसी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही। मैं देखिए उतना सारा भिगो के रखी थी पर मैं उतना सारा नहीं दी हूँ, हल्का ही दी हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रूट कलर दे दी हूँ। और मैं अब क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी लेके इस पर से हल्दी छिटक दे रही हूँ, हल्का बेसी नहीं, नहीं तो ये मेरा जो है येलो हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हल्का सा हल्दी लेके और इस पर चारों तरफ से छीट देना है। तो यहाँ देखिए छीट दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, कुकर का ढक्कन बंद करके और इसको हाई गैस पर 2 सीटी मंगाना है, बेसी सीटी नहीं मंगाना है, 2 सीटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2 सीटी बाद मैं ढक्कन को खोली हूँ मैं 10 मिनट बाद, तो मेरा ये बिरयानी हल्का सा प्रेशर कुकर निकल गया है इसका। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसको प्लेट में आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि मेरा ये बिरयानी बना कैसा है। तो मैं प्लेट में इसको निकाल दे रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा बिरयानी बनके, आलू बिरयानी बनके रेडी है। और ये देखिए कितना खिला खिला बना है, चिपका भी नहीं है। और आप यदि चिकन बिरयानी नहीं खाते हैं तो अंडा बिरयानी आलू बिरयानी बना के खा सकती हैं। और ये बच्चे बड़ों को सबको बहुत पसंद पड़ेगा। आप इसको चटनी के साथ खाएं या सब्जी के साथ या ऐसे, बहुत टेस्टी लगेगा। रायते के साथ खाएं। और मेरी रेसिपी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।